डू यू ऑब्जर्व एनी सॉयल पॉल्यूशन इन योर नेबरहुड? क्या हमको अपने आसपास में सॉयल पॉल्यूशन दिखता है? व्हाट एफर्ट्स विल यू मेक फॉर कंट्रोलिंग द सॉयल पॉल्यूशन? उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मेजर सोर्सेज ऑफ सॉयल पॉल्यूशन आर इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है, इंडस्ट्री से जो वेस्ट आता है वो, एग्रीकल्चर पॉल्यूटेंट्स, एग्रीकल्चर में जो हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं या फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ये सारे सॉयल पॉल्यूशन करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द क्वालिटी एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल टू इंश्योर एंड सस्टेन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फूड क्रॉप्स। तो सॉइल की फर्टिलिटी तो मेंटेन रहनी चाहिए ना, तभी तो वहां से फूड और प्लांट्स पैदा होंगे। इंसेक्टिसाइड्स जैसे कि DDT हो गया, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते, इस कारण से वो मिट्टी में ही रहते हैं बहुत समय तक, लंबे समय तक, कंटेमिनेटिंग द रूट क्रॉप्स, रूट, ठीक है ना, प्लांट्स को फिर कंटेमिनेट कर देते हैं। पेस्टिसाइड्स लाइक एल्ड्रिन एंड डाइएल्ड्रिन आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये भी पेस्टिसाइड्स हैं दोनों, ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं। तो क्या होते हैं, दे कैन एंटर द हायर ट्रॉपिक लेवल थ्रू फूड चेन्स। हायर ट्रॉपिक लेवल मतलब क्या, जैसे पहले प्लांट्स में था, प्लांट्स से फिश में चला गया, फिश से एनिमल्स में चला गया, एनिमल्स ह्यूमंस में आ गया, फूड चेन के हायर एंड पे चला जाता है सारा। उससे क्या होता है, मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, बीमारियां पैदा होती हैं। द सेम इज ट्रू फॉर इंडस्ट्रियल वेस्ट दैट कंप्राइजेस ऑफ सेवरल टॉक्सिक मेटल्स लाइक लेड, आर्सेनिक, मर्करी, कैडमियम एक्सेट्रा। ये सारे मेटल्स, टॉक्सिक मेटल्स कहाँ से आते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट से आते हैं, कहाँ, सॉयल में चले जाते हैं सारे। हेंस द बेस्ट वे टू चेक सॉयल पोल्यूशन इज टू अवॉइड डायरेक्ट एडिशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स टू सॉयल। तो क्योंकि सॉयल, ये सारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये डिग्रेड होते नहीं है सॉयल में, वही पड़े रहते हैं, इसलिए क्या करना होगा, इसको मत डालो ही मत सॉयल में, डालो मत इसको। ऑल्सो वेस्ट शुड अंडरगो प्रॉपर ट्रीटमेंट, तो पहले ट्रीटमेंट करना चाहिए वेस्ट का प्रॉपर, फिर डालना चाहिए। दे शुड बी रिसाइकल्ड बिफोर अलाउंग अलाउंग टू, ठीक है। व्हाट आर पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स, एक्सप्लेन गिविंग एग्जांपल्स। पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स क्या है, एग्जांपल बता। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, दे आर केमिकल कंपाउंड्स, जब क्या काम आते हैं, फॉर किलिंग पेस्ट, पेस्ट को मारने के काम आते हैं। पेस्ट इंक्लूड इंसेक्ट्स, प्लांट पैथोजेंस, वीड्स, मॉलक्स एक्सेट्रा दैट डिस्ट्रॉय प्लांट क्रॉप्स एंड स्प्रेड डिजीजेस। पेस्टिसाइड के एग्जाम्पल क्या है, एल्ड्रीन और डाइएल्ड्रीन। तो पेस्टिसाइड मतलब पेस्ट को मारे, मतलब जो, ठीक है ना। हर्बिसाइड क्या होते हैं, जो वीड्स को मारे, ठीक है ना। हाँ, वीड्स क्या होती हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स, मतलब आप खेती तो कर रहे हो, करना कि वहां पे अगर रोज का प्लांट भी उग गया तो आपके लिए वीड है वो, क्योंकि वो रोज का प्लांट सॉयल का न्यूट्रिएंट खाएगा, तो फिर वो तो नहीं चाहिए आपको, आपको तो कनक चाहिए ना, उसकी खेती कर रहे हो तो वीड हो गई वो, तो उनको मारने के लिए चाहिए हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड्स के एग्जांपल के लिए क्या है, सोडियम क्लोरेट और सोडियम आर्सेनाइड, ठीक है।